आजकल एक चीज़ तुम लोगों ने जरूर नोटिस की होगी कि अभी आरपीएफ की भर्ती आई नहीं है, समझना मेरी बात। दूर दूर तक कहीं आसार नहीं है, कहीं वो बता दिया था गया था कि 10,000 भर्ती आनी है, और उसके लिए हल्ला इतना मच गया है कि कोर्स बिकने लगे भैया। मतलब नए नए ऑफर चल रहे हैं कि अगर तुम प्री बुकिंग करा लेते हो कोर्स की तो तुम्हें ऑफर मिल जाता है। यार मूवी देखने गए हो कोई, या फिर कोई ऐसे गाड़ी तुमने खरीदनी है जिसकी पहले से तुम बुकिंग कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आता है ये बिजनेस किस लेवल पे पहुंचा रहे हैं। कुछ दिन में ये होगा जैसे सरकार अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करती है ना कि हम इन 5 सालों में ये विकास करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, कुछ दिनों में कोचिंग वालों के भी कैलेंडर आने लगेंगे कि हम 5 सालों में इतनी भर्तियाँ, भले सरकार क्लियर ना करा पाए ये लोग करा देंगे, ठीक है, इनको पता रहता भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, और सबकी प्रेडिक्शन लगभग गलत है जाती है भर्तियों के मामले में। खासकर यूपी पुलिस को लेकर देखो कितना बवाल मचा था, क्या हुआ, अभी आई वैकेंसी कांस्टेबल? नहीं आई, दूर दूर तक नहीं अभी, ठीक है। ये लोग सिर्फ तुक्का इसलिए मार रहे हैं क्योंकि जानते हैं अगले साल चुनाव है, नौकरियां आएंगी भी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी आ जाएंगी तुरंत, ठीक है। अब समझो मेरी बात को, देखो कोर्स तब खरीदा बेचा जाता है, बेचने की तो बात नहीं करते हैं, कोर्स तब खरीदा जाता है जब हमें उसकी नीड होती है। अगर कोई एग्जाम आया है उसकी हम जब तैयारी कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि यार चीज़ें हमसे नहीं हैंडल हो पाएंगी, तब हम उसका कोर्स खरीदेंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं, अभी हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उसके वो सारी चीज़ें हो रही हैं, अब हमें पता है आगे जाके आरपीएफ की वैकेंसी आएगी तो हमने कोर्स खरीद लिया है, एडवांस में बुकिंग करके रख ली है कि जब आरपीएफ आएगा तो उसकी वैकेंसी के लिए किताबें तो हैं अपने पास, मतलब कोर्स तो है, पढ़ने लगेंगे। ये नहीं होता है इसे, कोर्स का मतलब ये होता है कि जब हमें कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही सेल्फ से, तब हम किसी की कोचिंग के अंडर में आके चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अलग ही बिजनेस चल रहा है, आरपीएफ की वैकेंसी का इन्होंने लोगों ने प्रीवियस कोर्स लॉन्च कर दिया, और ये ऐसे नहीं बताते हैं तुम्हें कि डायरेक्ट कोर्स कर ही लो, नहीं, ये तुम्हें ट्रैप बनाते हैं। सबसे पहले ट्रैप किस तरीके से बनता है कि तुम्हें वैकेंसी के बारे में बताएं, कितने पद हैं, कितनी योग्यता है, कितना सुनहरा मौका है, फिर तुम्हें ये लालच देते हैं, पहले थोड़ी सी बिस्कुट डालते हैं तुम्हारी तरफ पाले जी, क्या कि इतना बड़ा मौका है, दोबारा कभी नहीं मिलेगा, और इसमें जी जान लगानी, फुल मेहनत करनी है अपने को, और सब कुछ पूरी तरीके से ज्ञान दे देंगे, फिर बाद में आएंगे कि बच्चों कोर्स तुम्हारे लिए लॉन्च कर दिया, तुम्हारे लिए पैसा हम 1,000 रुपये ले लेंगे, लेकिन कोर्स तुम्हारे लिए लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, कोर्स लॉन्च कर दिया और तुम लोग खरीद लो अभी से, क्योंकि आगे जाके वो 10,000 का हो जाएगा, ये सब नौटंकी होती है। ये सब करते हैं टीचर आजकल, मास्टर ये कर ही रहे हैं जो, लेकिन वो मास्टर नहीं कर रहे हैं जो वाकई में मेच्योर है, वो नहीं कर रहे हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से दिक्कत ये हो जाती है कि लड़कों को कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि उनको लगता है कि अभी सस्ता मिल रहा है तो खरीद लो, जबकि उनके काम का भी नहीं है वो बैच, उनको पता भी नहीं वैकेंसी कब तक आएगी। अभी पुलिस की वैकेंसी में हल्ला मचाए थे कि अगले महीने आ रही है, मई में बताई थी पिछली मई को, अब कितना टाइम हो गया है, अब मई आ गई, जून आने वाला है। तो इस वजह से कभी भी जब ये जो प्री बुकिंग होती है, प्री ऑर्डर होते हैं इसके बैच के, उनमें मत घुसा करो तुम, तुम्हें जब लगे, जब तुम तैयारी करने बैठो, और जब भी नोटिफिकेशन आता है उसके बाद तैयारी करने का बहुत टाइम रहता है, ठीक है, अगर उस दिन से भी तैयारी चालू करोगे तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल तो ऐसे निकल जाएगा। तो तुम लोग बस, हम ये नहीं कह रहे कि इंतजार करो वैकेंसी का, हम ये कह रहे हैं कि तैयारी अपनी चालू रखो, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि दिक्कत आ रही है तब बैच खरीदो। अब कोई ऑफर दे रहा है इसलिए थोड़ा बैच खरीद लोगे कि चलो वैकेंसी आई, ऑफर आया तो बैच खरीद ही लेते हैं, रख लेते हैं अपने पास सेविंग में, ये सब मत करो टीचर, इसका फायदा उठाते हैं तुम लोग बन भी जाते हो चूतिया। राम राम, जय हिंद।